दोस्तों, आज राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है कोरोना को लेकर, और उन्होंने कहा है कि आपके आंसुओं से लोगों की जान नहीं बच सकती थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्केटिंग से बाज आने को भी कहा, मगर जो कड़ी चेतावनी इस वक्त देश की जनता को मिलनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कोरोना का एक नया वायरस इस वक्त अपने पांव पसार रहा है। वैज्ञानिक इस नए वायरस को लेकर, कोरोना के नए वायरस को लेकर लगातार चेतावनी दे रहे हैं। इसकी बात हम बाद में करेंगे। साथ ही जानते हैं कि देश ने जश्न मनाया वैक्सीन दिवस मनाकर। आप देख सकते हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी बता रहे थे कि एक ही दिन में 86 लाख वैक्सीन दी गई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्क्रोल ने सरकार के इन तमाम दावों की बखिया उधेड़ दी है, और यह मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितना करारा हमला बोला है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि आपके आंसुओं से लोगों की जान नहीं बच सकती थी, जरूरी था कि आप लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाते और उसमें वो नाकाम साबित हुए। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके परिवार में उनके माता, उनके पिता, उनके भाई, उनके बहनों की मृत्यु हुई। कारण ऑक्सीजन नहीं दे पाए। इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जितने ऑक्सीजन की जरूरत यह देश प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू, उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। वो सब परिवार जानते हैं कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। दरअसल प्रधानमंत्री का वो इमोशनल लम्हा मैं चाहूंगा आप भी देखें। और जब प्रधानमंत्री रोए थे तो मेरे जहन में भी कुछ सवाल थे। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भाई, जिस तरह से अंतिम संस्कार लोगों का अमूमन किया जाता है, लोग वैसा अंतिम संस्कार भी ना कर पाए, उस तरह से विदाई भी ना दे पाए। तो प्रधानमंत्री, अहम सवाल यह, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप इस जवाबदेही से बच सकते हैं? मैं चाहूंगा कि आप देखें प्रधानमंत्री देश के सामने किस तरह से इमोशनल हो गए थे। देखिए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में, कोई आशा का भी संचार कर रहा था। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बीजेपी उस पर प्रतिक्रिया देगी। और उन्होंने मैदान में उतारा अपने इस अति गंभीर प्रवक्ता, जी हां, माननीय संबित पात्रा को। और संबित पात्रा ने अपने चिर परिचित अंदाज में मुद्दों को संबोधित करने की बजाय, जो है, जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस गंभीरता से अमूमन संबित पात्रा को लिया जाता है या वो जिन गंभीरता से बोलते हैं,